1.0 लीटर MPI इसका इंजन दिया गया यहाँ पे। ये जिसकी साइड प्रोफाइल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है, और इसमें सिर्फ जो चेंजिंग की है वो सिर्फ फ्रंट पे और बैक पे चेंजिंग है, और साथ में यहाँ पे इसको बटन दिए गए यहाँ पे एंट्रिंग के लिए। और एंटर होते चले तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम का हैंडल दिए गए हैं, साथ में कंट्रोल्स दिए गए हैं, बाहर वाले जो मिरर हैं उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंटर होते चले तो यहाँ पे इसकी सीट्स जो है टोटली चेंज कर दी गई हैं, इसकी जो लेदर में ब्राउन लेदर में इसका यूज़ किया गया है, और साथ में यहाँ आप स्टेयरिंग को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड फंक्शन भी इसमें इजाफी दे दिया गया है, मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हैं आप, और इसके परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने की तरफ आते चलें तो यहाँ पे इसका डिजिटल मीटर क्लस्टर दे दिया गया है, जो कि पहले आपको मैनुअल में देखने को मिलता था, अभी इसमें डिजिटल मीटर क्लस्टर दे दिया गया है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है यहाँ पे भी और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है, और साथ में यहाँ पे जो आपको इसकी लाइट्स हैं वो डे लाइट जाती हैं देखने को। ऊपर आते चलें तो ऊपर यहाँ पर आपको हाई पास देखने को मिल जाता है, और इसमें आप इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, और किया कनेक्ट का भी ऑप्शन इसमें दे दिया गया। यहाँ पे आते चलें यहाँ पे LED डिस्प्ले है, और यहाँ पे इसके कंट्रोल्स वगैरह दिए गए, मैप के, नेविगेशन के, ये सारा यहाँ पे रेडियो के ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दो AC पॉइंट यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इसका इंडिकेटर साइन। नीचे आते चलें तो नीचे आपको ऑटो में AC के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और मज़ीद नीचे आते चलें यहाँ पे फ्रंट पे, यहाँ पे रियर जो मिरर है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है फॉग हटाने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको जो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे सी टैप है, और यहाँ पे USB पॉइंट है। यहाँ पे मैंने स्पेस दी गई है, और यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हीटेड सीट और वेंटिलेटर सीट का ऑप्शन मौजूद है, जो कि सिर्फ आपको ड्राइविंग सीट की तरफ मिलता है, और जो पैसेंजर सीट है, जो फ्रंट सीट है, वो आपको सिर्फ हीटेड सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे इसकी क्रोम लाइन खूबसूरती के लिए दी गई है, यहाँ पे एयरबैग एक यहाँ पे मौजूद है और एक स्टेयरिंग के अंदर मौजूद है। ऊपर आते चलें तो आपको यहाँ पर फैब्रिक का रूफ देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर जो माइक है वो सेंटर में दिया गया है, और यहाँ पे इस सेगमेंट में आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें सनरूफ मौजूद नहीं है। पीछे वाले सीट्स भी आपकी आपको फुली लेदर में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पीछे की सीट्स पे आते चलें तो पीछे की सीट्स इतनी कम्फर्टेबल नहीं है, थोड़ा मतलब लेग स्पेस का मसला होगा, लेकिन हेड स्पेस इसकी काफ़ी है, तो हेड स्पेस का मसला नहीं है। पीछे दरवाजे की तरफ आते चलें तो दरवाजे इसके प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रोम हैंडल है, साथ में यहाँ पे ऑटो में इसका मिरर मौजूद है, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया नीचे तक। यहाँ पर स्पीकर मौजूद है पीछे की तरफ, यहाँ पर सीट्स के पीछे आप फाइल अपने रख सकते हैं, और यहाँ पर इसका आर्म रेस्ट भी मौजूद है, आगे करके इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे एक कप होल्डर है, और साथ में जो ब्रेक है आपको वो मैनुअल में देखने को मिल जाती है, इसकी स्टिक वाली है। ये इसका फ्यूल टैंक, ये जो इसकी लाइट्स हैं पीछे की लाइट्स जो इसकी फुली चेंज की गई हैं, यहाँ पे LED में लाइट इसकी दे दी गई हैं, और जो 2023 का सेगमेंट है, 2023 वाली जो मॉर्निंग है वो उसमें सिर्फ ये चीज़ दी गई है, लेकिन इसमें ये चीज़ आगे की तरफ थोड़ी बढ़ा दी गई है और पीछे फुली दे दी गई है। ऊपर इसका शार्क फिन एंटीना है, नीचे इसकी स्पॉइलर, और यहाँ पे आपको बैकलाइट देखने को मिल जाती है, और नीचे किया की बैजिंग, मॉर्निंग की बैजिंग, किया की बैजिंग जो लोगो है इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पे बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। नीचे पार्किंग सेंसर्स हैं, और साथ में इसका जो बम्पर है वो भी तकरीबन चेंज कर दिया गया, और नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट्स और साथ में आपको बैक लाइट देखने को मिल जाती है। तो इसकी स्पेस ठीक है, छोटी गाड़ी के लिहाज से इसकी स्पेस अच्छी दी गई है, आप एक ब्रीफकेस आप अपना यहाँ पे रख सकते हैं, एक छोटा बैग रख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए तो यहाँ पे आपको नेक्सन के टायर्स दिए गए हैं, और साथ में ये जो व्हील है ये 14 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, नीचे यहाँ पे लेदर का थोड़ा सा यूज़ किया गया ब्राउन में। तो ये है जी फ्रंट साइड से, यहाँ पे ग्लव बॉक्स,
यहाँ पे एयर बैग एक यहाँ पे मौजूद है, एक स्टेयरिंग के अंदर मौजूद है, इसका स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन भी मौजूद है जो कि बटन में दिया गया है।